आरएसएस में एक बहुत बड़ा फर्क है। हम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करते हैं, वो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना चाहते हैं। वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन चाहते हैं, आरएसएस, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन आरएसएस के नीचे काम करें, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, पुलिस हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। और सच्ची लड़ाई ये लड़ाई है, हम हमारे इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रेस वाले हमारे बारे में भी, कांग्रेस पार्टी के बारे में भी खराब लिखते हैं, कभी कभी गलत भी लिखते हैं, मगर मैं स्टेज से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम आपकी रक्षा करेंगे। आप जितना भी खराब लिखना चाहते हो हमारे बारे में लिखो, मगर कांग्रेस पार्टी का ये जो हाथ है ये आपकी रक्षा करेगा। जब आरएसएस आपको मारेगी, दबाएगी, काटेगी, ये हाथ आपकी रक्षा करेगा, ये लोग आपकी रक्षा करेंगे। दो विचारधाराओं की लड़ाई है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है, और हमारी विचारधारा चुनाव में जीतने जा रही है। आपने देखा होगा एक के बाद एक बीजेपी चुनाव हार रही, मोदी जी के चेहरे में चेंज देखा होगा आपने, थोड़ा सा सुधार हो गया, अब सूट नहीं पहनते और सोच रहे हैं कि शायद गुजरात में निकल गए, शायद 2019 में नहीं निकल पाएंगे, फंस जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी को लड़ना है बिना डरे, किसी से नहीं डरना आपको। गांधी जी का संगठन है, शेरों का संगठन है ये, किसी से नहीं डरेंगे हम। सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, हिंसा नहीं फैलाएंगे। ये जो दो दीवारें हैं इनको तोड़ेंगे और एक बार फिर हमारे प्यारे देश को रास्ता दिखाएंगे। आपने, जैसे मैंने कहा, 15 साल से मैं राजनीति में हूं, आसान नहीं है, झटके पड़ते हैं, ठोकर पड़ती है, चोट लगती है, और मैं समझता हूं, मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है, मगर इससे हम सीखते हैं, समझते हैं, और जब हमें ठोकरें लगती है, दर्द होता है, चोट लगती है, तो जो हिंदुस्तान की आत्मा है, हिंदुस्तान की जो आवाज है, उसके हम पास जाते हैं, जाना पड़ता है। तो आस्ते आस्ते राजनीति ही हमें सिखाती है, गलतियां भी होती हैं, सब करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं, मगर आरएसएस और बीजेपी में हम में एक फर्क है,
हम मान लेते हैं, हम कहते हैं हां हमने गलती की, फिर से नहीं करेंगे। वो मानते नहीं हैं, वो सुनते नहीं। डिमोनेटाइजेशन करेंगे, पूरी दुनिया कह दे गलती की, मोदी जी आंसू बहते बह देंगे, मगर ये नहीं मानेंगे कि गलती की। मैं आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, एंटनी जी बैठे हैं, अगर ऐसी गलती, कांग्रेस पार्टी ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, मगर गलती ऐसी की होती तो एक मिनट में हमारे सब नेता कहते हैं हां हमने गलती की, अब इसको ठीक करते हैं। एक मिनट में करोड़ों लोगों को चोट मारी, मगर यह नहीं कह सकते कि भैया हमने गलती की। गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कुछ दिन पहले प्रेस में आया कि हिंदुस्तान का जीएसटी सबसे ऊंचा है, दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं, पाकिस्तान, सूडान और हिंदुस्तान। इंप्लीमेंटेशन बर्बाद कर दिया, मगर मोदी जी एक बार भी यह नहीं कह सकते हैं कि हां छोटी सी गलती हो गई। आगे भी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े काम करेगी, अच्छे काम करेगी, देश को आगे ले जाएगी, मगर हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है। वो सोचते हैं कि वो इंसान नहीं है, कुछ और है। शायद मोदी जी सोचते हैं कि वो भगवान के अवतार है। तो आप सब मिलकर एक साथ खड़े होकर झगड़ा करना है चुनाव के बाद, प्लीज। उन्होंने होता है, मगर अब अगले 6-7 महीने के लिए थोड़ी कड़ी डिसिप्लिन चलेगी, थोड़े झटके लगेंगे, तो थोड़ा प्यार से मिलकर एक साथ लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का वर्कर 2019 में हिंदुस्तान को दिखाएगा कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे लड़ती है और कैसे चुनाव जीतती है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।